हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 50 और 51 को हम आज क्लास में स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर सेकंड को पढ़ रहे हैं और उसमें भी पार्ट बी में बात कर रहे हैं, जो कि ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज की बात करता है। और ये सेक्शन दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी कि अचल संपत्ति से रिलेटेड है। तो अब सेक्शन 50 और 51 बोलता क्या है हम समझेंगे, लेकिन दोनों सेक्शन में एक वर्ड कॉमन है, वो है बोनाफाइड। अब ये बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है गुड फेथ, यानी कि अगर हिंदी में इसको बोलो इसका मतलब होता है सद्भावना पूर्वक। और जहां सद्भावना आ गई उसका मतलब भावना कैसी है? सद है, मीन्स अच्छी फीलिंग है, जो इंटेंशन है वो अच्छे हैं। तो बोनाफाइड का मतलब कि क्या बोल रहे, जेन्युइन में से तो होगा, लेकिन जब हम लॉ में पढ़ते हैं तो आता है गुड फेथ। लॉ में गुड फेथ आता है, हिंदी में उसको सद्भावना पूर्वक बोलते हैं, सद्भाव पूर्वक बोलते हैं। और अगर हम बोनाफाइड को वैसे जानेंगे तो उसका मतलब होता है जेन्युइननेस, किसी भी तरीके का किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में माने तो उसकी सच्चाई तथ्यपूर्ण है, वो ऐसा माना जाता है। अब सेक्शन 50 और 51 में मैंने बोला गुड फेथ एक वर्ड है, दोनों में कॉमन है। और गुड फेथ जब बात आ गई तो यहाँ पर एक चीज साथ में लेके चलेगा, लॉ ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विटी एक ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है जो कि गुड फेथ में कोई एक्शन ले रहा है। अब वो एक्शन क्या होगा हम इन दोनों सेक्शन में स्टडी करेंगे। तो वो गुड फेथ में कोई एक्शन ले रहा है और उसको अगर किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो लोग इक्विटी आगे आती है और उसको बचाती है। तो क्या है ये सेक्शन, अब पढ़ते हैं। पहला सेक्शन बोलता है, यानी सेक्शन 50, रेंट बोनाफाइड पे टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। अब बोनाफाइड के साथ साथ दोनों सेक्शन में एक और बात कॉमन है, होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल, अंडर डिफेक्टिव टाइटल का मतलब जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस होल्डर की बात कर रहे हैं, होल्डर का मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पर बात करें, तो जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि उसका कोई होल्डर है और उस होल्डर के पास टाइटल कैसा है, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब टाइटल उसका नहीं है, पूर्ण नहीं है, किसी और का है और वो बता रहा है कि मेरा है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी बात को सच मानते हुए कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि वो सोचता है मैं सही आदमी के साथ कर रहा हूं, तो उस केस में उसको अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इक्विटी करेगा। ये सेक्शन दोनों सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन 50 ने क्या बोला, क्या उसने काम किया है, रेंट पे किया है। और सेक्शन 51 बोलता है उसने कोई इंप्रूवमेंट किया है। तीन शब्द हैं जो हमें समझने हैं दोनों सेक्शन से रिलेटेड। पहला बोनाफाइड, जो कि ये बोलता है कि किसी ने गुड फेथ ने कोई काम किया, यहां बोले गुड फेथ वर्ड यहां पर अटैच हो गया। दूसरा जो शब्द है वो है होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल, यानी इसमें ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके बैठा है जो कि उसकी नहीं है, या फिर वो बता रहा है कि मेरी है, मतलब वो प्रिटेंड कर रहा है मेरी है, सामने वाले को लगता है इसकी है, ये चीज हमें समझनी है। और तीसरी बात है पहले सेक्शन में रेंट और दूसरे में क्या है, दूसरे में है इम्प्रूवमेंट। तो अब इन सेक्शन को हम अब समझेंगे। पहला वर्ड हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए के पास कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को इसने इसको किराए पे दिया, रेंट पे दिया। अब रेंट पे दिया है तो ये इसको रेंट भी पे करेगा, ठीक है जी, कर रहा है हर महीने, जैसा उनका एग्रीमेंट हुआ है आपस में, रेंट उसको पे कर रहा है। ए प्रॉपर्टी को बिना बताए सी को बेच देता है। क्या बोला मैंने, ए बी को बिना बताए सी को बेच देता है। अब जो रेंट है वो बी किसको पे करने जा रहा है, ए को, क्योंकि उसको नहीं पता ए ने प्रॉपर्टी सी को बेच दी। अब ए को तो देखो कितना बेनिफिट हो गया, उसको तो कोई नुकसान ही नहीं है, उसके तो अच्छी बात है रेंट मेरे पास आ रहा है। रेंट भी यहां पर बात की और प्रॉफिट भी बात की हुई है। तो अगर सेक्शन के जो लैंग्वेज में कहा गया रेंट भी है और प्रॉफिट भी है, टाइटल में रेंट है बट इसमें रेंट और प्रॉफिट दोनों चीजें हैं, तो कोई रेंट अगर ये दे रहा है तो उसके लिए तो अच्छा ही है ना, देता रहे, ये बताता ही नहीं इसको कि मैंने जो है सी को बेच दिए है, बता ही नहीं रहा कि मैंने बेची है। अब ये जो सी है ये आता है, भाई मेरी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है, किराया जा रहा है इसके पास, ये क्या हो रहा है। अब इसके पास आता है, भाई प्रॉपर्टी मेरी है, तो बी बोलेगा भाई मैं तो इसको दे जा रहा हूं, ए को देता जा रहा हूं, मुझको तो पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी आपकी है। बोनाफाइड वर्ड, उसको गुड फेथ है, ये विश्वास है कि ये इसको इसी की है, इसने मुझे किराए पे दी, इसी की है, उसको नहीं पता कि इसकी है, तो बोनाफाइडली
रेंट पे किया जा रहा है उस होल्डर को जिसके पास टाइटल ही नहीं है, समझ आया। अब यहाँ पर सी जब पिक्चर में आता है अपना रेंट मांगता है तो बी क्या करे, रेंट दे, पहले ही ए को दे चुका, अब क्या सी को भी देगा। तो इसीलिए यहाँ पर इक्विटी आती है और उसको प्रोटेक्ट करती है और बोलती है जी नहीं, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, ये जाने और ये जाने आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है तो वो आपका तो ऑब्लिगेशन है ही नहीं, आपने बोनाफाइडली काम किया हुआ है, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि आपने बोनाफाइड वर्ड जब यूज करा तो उसका मतलब आपने क्या किया था, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी डिसीट धोखे के, बिना किसी गलत इंटेंशन के इसको देते रहे आप रेंट, तो आपकी कोई गलती नहीं। ये जाने और ले जाने क्या करना है, ठीक है, जब तक उसको नहीं पता कि ये सेल कर दी गई है और वो उसको ही दिया जा रहा है जिसको पहले देता था, ऐसा होल्डर जिसके पास डिफेक्टिव टाइटल है, टाइटल नहीं है, गलत है, तो वो उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सेक्शन 50 ये बात करता है। 51 बात करता है इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। अब यहां इम्प्रूवमेंट की बात आ गई, इम्प्रूवमेंट, ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी, पट्टे पे, मोर्टगेज पे दी, बंधक पे दी, या फिर मैं बोलूं कि उसने उसको सेल भी कर दिया, ठीक है, अगर इसने सेल भी कर दिया और इसने सोचा जी मैं तो प्रॉपर्टी जिससे खरीद रहा हूँ यही ओनर है, और इसने क्या किया, वो प्रॉपर्टी अपनी मान के उसपे कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया, एक माले की बिल्डिंग थी इसने दो माले की बना दी, ठीक है, एक माले का घर था इसने दो माले का बना दिया, सोच के प्रॉपर्टी मेरी, मैं जो मर्जी करूं तोड़ू फोड़ू, जो मर्जी करूं मेरी मर्जी है। अब ये करते हुए इसने इम्प्रूवमेंट करके एक माले की बिल्डिंग को दो माले की बिल्डिंग में चेंज कर दिया। अब ये क्या करता है, ए क्या कर रहा है, ये ए ने बोला मेरी प्रॉपर्टी है और बेच दिया इसको, इसको लगा हाँ भाई इसी की है। अभी यहां पर क्या होता है, सी पिक्चर में आता है और अपने टाइटल साथ में लाता है और ये बोलता है बी को, देखिए जी ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसकी नहीं थी, ये रे ठीक पेपर मेरे पास है। अब ये क्या करेगा, ये आता है बोलता है यहां से निकलिए, इविक्ट करता है, वर्ड यहाँ पर यूज होता है इस सेक्शन के, आप लैंग्वेज में देखेंगे तो इविक्शन वर्ड यूज होता है। ये आता है और बोलता है आप निकलिए, इविक्ट होइए यहां से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा, मैं हूं ओनर, मेरी ओनरशिप है, इसने आपको बेची, ये ओनर नहीं था। अब यही पर बात आ गई है, ये तो मानता था कि यही ओनर है, ये होल्डर कैसा था, डिफेक्टिव टाइटल के साथ था, इसने वो चीज समझते हुए कि इसी की प्रॉपर्टी थी और अपने आप को ओनर समझ लिया और उस पर इम्प्रूवमेंट कर डाले, खर्चा उठाया होगा ना इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो अब उन खर्चे को पे कौन करेगा। बोलता है कि अब क्या होगा, अब यहाँ आता है फिर से लॉ ऑफ इक्विटी और इसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। लॉ ऑफ इक्विटी कहता है आपने इम्प्रूवमेंट किया है, आप क्या करिए, दो रास्ते हैं आपके पास, किसके पास, सी के पास, इविक्ट तो ठीक है आपकी प्रॉपर्टी आप उसको कर देंगे, पर उससे पहले दो में से एक काम कीजिए, क्या काम करिए, या तो जितना इसने इम्प्रूवमेंट किया एक माले की बिल्डिंग पे जितना खर्चा उसका बैठा वो खर्चा आप उसको दे दीजिए। वो खर्चा कैसे होगा, एस्टिमेट लगाया जाएगा, एस्टिमेशन अनुमान लगाया जाएगा कि इतना खर्चा बैठा होगा, वो खर्चे को देखते हुए आप या तो इसको वो पैसा दे दीजिए जो मार्केट वैल्यू होगी, बेसिकली यहाँ क्या देखना है, मार्केट वैल्यू कितनी है, ध्यान रखिएगा ये नहीं देखना है कि उसने पैसा लगाया तो कितने लगाए, यहाँ ये लगाना है कि मार्केट वैल्यू एस्टिमेशन करनी है, मार्केट वैल्यू कितनी होगी उस पर ये देखना है। से अगर इसने 3,000 रुपए लगाए थे, अब मार्केट वैल्यू 5,000 है, तो वो एस्टिमेट लगाते हुए इसको सी को बी को देना होगा। इफेक्ट तो वो होगा क्योंकि टाइटल आपका है, लेकिन इक्विटी उसके साथ भी बुरा नहीं होने देगी, कानून उसके साथ बुरा नहीं होने देगा, क्योंकि भाई उसकी तो कोई गलती ही नहीं, उसको तो यही लगा कि ये प्रॉपर्टी इसकी है और ये सोचते हुए उसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो और परचेज करने के बाद उसने इम्प्रूवमेंट भी कर डाले। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट विल बी विद बी, विल ही हैज टू पे ऑल द लॉसेस, नो, लॉ ऑफ इक्विटी कम्स इनटू द पिक्चर एंड प्रोटेक्ट्स ऑल हिज राइट्स। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है, मैंने भी आपको बोला, एक उसके पास तो रास्ता ये है, जो इम्प्रूवमेंट किया है पैसा दे दो बी को, दूसरा क्या है रास्ता, दूसरा रास्ता ये है कि जो इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में इसका बैठता है, इसका बी का इम्प्रूवमेंट के बाद क्या बैठता है, एक माले का, वो दे दो उसको, ठीक है भाई, एक घर में और उसने कमरा भी दिया बनाया है, वो कमरा दे दो उसको, तो जो इंटरेस्ट उसका बैठता है वो इंटरेस्ट दे दो, नहीं तो जो उसकी मार्केट वैल्यू जो पैसे है वो पैसा दे दो। तो दो रास्ते में से एक रास्ता आपको करना पड़ेगा, आप भी ओनर,
मानते हैं, लेकिन इसकी भी कोई गलती नहीं थी, ये भी बोनाफाइड है, गुड फेथ में सद्भाव पूर्वक इसने ये काम किया है, तो अब आपको इसको भी न्याय देना पड़ेगा। ये चीज बोलता है कहा लॉ ऑफ इक्विटी में। ये तो बात कर ली हमने कि ये इम्प्रूवमेंट किसी भी हाउस की हो गया, किसी बिल्डिंग का हो गया, लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड हो तो उस केस में क्या होगा? यही जो ए ने बी को लीज पे कोई प्रॉपर्टी दी, वो एग्रीकल्चर लैंड थी, पट्टे पे दी इसने अपनी जमीन बी को। अब बी जोतता है उसको, बीज बो देता है उसपे, ठीक है, बीज बोए हैं, अभी फसल उगनी है, उसपे वो पानी दे रहा है, इरिगेशन कर रहा है, या जैसे भी अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर रहा है, फर्टिलाइजर लगा रहा है, जो व्हाटएवर, तो अभी वो यूज कर रहा है क्योंकि उसको लगा एक ही प्रॉपर्टी है। सी अगेन तो पिक्चर में आता है, बोलता है जमीन मेरी है, इसकी नहीं है, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स, नाउ यू हैव टू इविक्ट फ्रॉम हियर, यहां से जाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज हैविंग लाइक नो राइट ऑफ योर्स एज वेल एज हिज, तुम्हारे और उसके कोई अधिकार नहीं है, मेरे अधिकार है। अब एग्रीकल्चर लैंड का क्या होगा, उसमें क्या इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें क्या उसने इम्प्रूवमेंट किया, क्या मार्केट वैल्यू क्या दे दें, अभी तो बीज ही है, है ना, तो खेती की क्या कीमत होगी, कुछ नहीं पता, जो फसल उग के आएगी कुछ भी नहीं पता। तो यहां पर यह बोला जाता है कि जब उसने बीज बो दिए, फसल उग रही है, उस केस में जब तक फसल उग नहीं जाती, फसल कट नहीं जाती, वो वहां से फसल को ले जा सकता है, खेत में आ सकता है, खेत में जा सकता है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सब कुछ वो काम कर सकता है, जब तक उसकी फसल तैयार होके खड़ी होके कट ना जाए, वो मार्केट में ले जाकर सेल करे, जिस रेट पे बिके वो उसकी है, ठीक है ना, वो तो ऑब्वियस उसी का रिस्क है, लेकिन जब तक इसको नहीं निकाल सकते हैं, जब तक उसकी फसल लगी हुई है और वो कट नहीं जाती, तब तक कभी भी सी जो है बी को नहीं लगा निकाल सकता लैंड से। ये लॉ ऑफ इक्विटी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 51 बात कहता है। केस लॉस सबसे पहला है दास बंसीलाल राठौर वर्सेस सुमेर लाल सूरजमल गांधी 1973 का केस। इस केस में ये कहा गया, अगर एक व्यक्ति को नोटिस है, किस चीज का नोटिस है, कि ये जो है ना, ये व्यक्ति जो है इसके पास टाइटल नहीं है, इसके पास है बेटर टाइटल, फिर भी जान बूझ के इसे ओनर मानते हुए क्या करता है, काम करने शुरू कर देता है प्रॉपर्टी पे। इस केस में भी चलेगा ये वाली बात, क्या क्या बात, कि नोटिस होना नहीं है, नोटिस होना अगर उसको है तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल दोनों ही नहीं होंगे, 51 भी नहीं। नोटिस की बात यहाँ पर आ रही है, दोनों नोटिस, एक्चुअल भी कंस्ट्रक्टिव भी, और नोटिस क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वीडियो, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोटिकली आपके जो LLB या LLM या और आप पढ़ रहे होंगे स्टडीज, तो उसमें नहीं है, सिर्फ कंपल्सरी है। इंडीड आपकी बात करें हम किसी भी अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो वहां पर भी नोटिस जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अगर उसके पास एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति के पास कैसा भी नोटिस है और उसके बाद भी वो काम करता है या लैंड को सुई को देता रहता है, यहाँ पर इस केस में जिन्हें मैं बात करी हूँ तो सेक्शन 51 का केस है, इसमें तो ये बात की थी इम्प्रूवमेंट फिर भी कर देता है, तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद ही होगा, ये व्यक्ति इसको कुछ भी नहीं दे होगा, मतलब कुछ भी देने लायक लायबल नहीं होगा, ये बात इस केस में कही गई। नोटिस अगर उसे है कि डिफेक्टिव टाइटल रखता है ये, और ये नोटिस तो एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव आपको पता है ये डिटेल में क्या होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, अगर नोटिस है तो भाई आपको लॉ ऑफ इक्विटी नहीं आएगी प्रोटेक्ट करने, सेक्शन 51 आपको इम्प्रूवमेंट के कोई पैसा नहीं दिलाएगा, ये यहाँ पर बात हुई। फिर हरिलाल रणछोड़ वर्सेस गोवर्धन केशव 1927 का केस। इस केस में क्या हुआ था, एक माइनर था, उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, गार्जियन ने क्या किया, माइनर की प्रॉपर्टी एक व्यक्ति को सेल कर दी। अब जब माइनर ने जो है इस ऑब्वियस माइनर की डिसीजन को लिए, गार्जियन ने डिसीजन लेते हुए प्रॉपर्टी सेल कर दी, प्रॉपर्टी जिसको सेल हुई सोचा मैं तो ओनर हूं, वो ओनर बन के और उसने क्या किया, इम्प्रूवमेंट कर डाले। अब जब माइनर बड़ा हुआ, उसने एज ऑफ मेजोरिटी अचीव कर ली, वो गया कोर्ट में, प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे गार्जियन ने सेल कर दी, मुझे वापस दिलाई जाए, अब क्या होगा कि माइनर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे, यस होंगे, माइनर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे, लेकिन साथ ही साथ
ये बोलेंगे कि आप जो है जो इम्प्रूवमेंट इस व्यक्ति ने किए हैं अपने को मानते हुए कि उसने क्या किया था, बोनाफाइडली काम किया था, गुड फेथ में काम किया था, तो इसके पैसे भी इसको दे दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है गंगा दीन वर्सेस जगन 1914 केस है ये। इस केस में ट्रेसपास की बात हुई थी, मतलब इनलीगली किसी की लैंड पे चले जाना और वहां जाके बीज बो देना, हल जोत देना और अपनी फसल उगाना, या जबरदस्ती कोई घर बना देना, एक माले की बिल्डिंग बना देना, तो लॉ ऑफ इक्विटी काम नहीं करेगी। जबकि ट्रेसपासिंग ऑफ लैंड की बात आ रही है, जबरदस्ती गलत तरीके से किसी की लैंड पे घुसने की बात आ रही है, रिमोट प्रॉपर्टी पे घुसने की बात आ रही है, तो एंटर करने की बात आ रही है, तो उस केस में बात करें, जबरदस्ती किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंटर होने की बात आ रही है, तो उस केस में लॉ ऑफ इक्विटी प्रोटेक्ट नहीं करेगी, सेक्शन 51 आगे नहीं आएगा। लास्ट केस हमारे पास है लक्ष्मी प्रसाद वर्सेस लक्ष्मी नारायण 1928 का केस, और ये केस है कॉपर सेंट्री प्रॉपर्टी, हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का। अब हमें पता है हिंदू कॉपर सेंट्री प्रॉपर्टी, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो होगा उसमें मैनेजर करता कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता सभी की परमिशन के बिना। तो एक व्यक्ति क्या करता है, सेल कर देता है एक मैनेजर, तो जो एलनी होता है जिसको सेल किया गया वो क्या करता है, वो ले लेता है, हक जमा लेता है, लेकिन जब बाद में सन को राइट ट्रांसफर होते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगता है तो उसे मिल जाएगी। यहाँ पर इस सेक्शन में सेक्शन 51 में बोनाफाइड ही की प्रोटेक्शन की बात हुई है, और यहाँ पर वो जो सन था वो बोनाफाइडली ही अपनी पैतृक प्रॉपर्टी लेने जा रहा था तो उसे मिल जाएगी। लक्ष्मी प्रसाद वर्सेज लक्ष्मी नारायण 1928 के केस में ये कहा गया। सेक्शन 50-51 बोनाफाइड जो व्यक्ति काम करता है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।